हेलो एवरीवन, आज है 26 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए, 42 रुपीज का ये शेयर है और हल्की सी तेजी हमें कल यहाँ पर जरूर देखने को मिली है और पिछले कुछ दिनों से ये शेयर थोड़ी थोड़ी रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर भी निकल कर सामने यहाँ पर आई है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में और ये भी चर्चा करेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पंजाब नेशनल बैंक 42 रुपीज का शेयर, पिछले एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 7.5% का ग्रोथ हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिला है। 39 रुपीज का शेयर 44 के करीब पहुंचा जरूर, बाद में टूट गया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर अच्छी खासी रैली हमें दोबारा से यहाँ पर देखने को मिल गई। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में 13 से 14% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन वो उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने वी शेप रिकवरी दिखाई थी कोरोना के बाद, और अगर आप देखें तो उनके शेयर्स में आपको 30%, 40%, 50%, 60%, 100, 200% तक की तेजी देखने को मिली है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक अभी भी जो गिरावट कोरोना ने इसको दी है उससे उभर नहीं पाया है। अब देखिए, तेजी की कोशिश करता वापस टूट जाता, वापस तेजी की कोशिश करता वापस टूट जाता, वापस तेजी की कोशिश करता वापस टूट जाता। देखिए, ये जो 42-43 का जो रेजिस्टेंस है ना, वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर ऊपर के लक्ष्य मिलना थोड़े से मुश्किल है, बल्कि नीचे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगेन, नीचे के लेवल पर मुझे लगता है कि जो 30 रुपए का जो लेवल है, 32 से 33 का जो लेवल है, वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है और डेफिनेटली उस लेवल पर आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक शेयर 44-45 पर सस्टेन नहीं कर जाता तब तक मेरे हिसाब से पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी की उतनी ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 46,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 11 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है भैया, बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड यहाँ पर देखने को मिला है। और जो रीजंस है इस वॉल्यूम ट्रेड के, वो यही है कि ईडी जो है, उन्होंने जो नीरव मोदी और विजय माल्या की जो प्रॉपर्टी को जो जब्त किया था, अब उन जो असेट्स को जब्त किया था, अब वो असेट्स इन्होंने बैंकों को ट्रांसफर किए हैं, हालांकि एसबीआई को किए हैं, और एसबीआई जो है वो भैया मेन बैंक है, लीड बैंक है, अब वो बाकी बैंकों को वो चीजें पास ऑन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में तेजी आई थी क्योंकि ईडी सेड दैट इट अटैच इनफ प्रॉपर्टीज टू रिकवर द मेजर चंक ऑफ लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू फ्रॉड बाय नीरव मोदी। तो देखिए, ईडी ने ये कहा है कि उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज को जब्त किया है कि उस प्रॉपर्टीज से जितना फ्रॉड इन्होंने किया है उसका पैसा जो है वो आसानी से रिकवर हो सकता है। तो सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भैया एक बड़ा पैसा बैंकों के पास आने वाला है जो बैंकों ने गंवाया था। ईडी ने ट्वीट करके भी कहा है, सेड दैट द सीज असेट वर्थ 18,170 करोड़, ये आप देखिए 18,170 करोड़ रुपए तक के असेट्स ईडी ने जब्त किए थे, जो अगर देखा जाए तो 80% है जो बैंकों को टोटल लॉस हुआ था विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसों में। तो ये 18,170 करोड़ रुपए इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है, असेट्स है। अब इस असेट्स को यहाँ पर आप क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए, द फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सेड दैट इट हैज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड रुपीज 9,371 करोड़ टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहा कि भैया इसमें से 9,371 करोड़ तक के ऑलरेडी हमने ट्रांसफर तो कर दिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, मतलब जिन जिन बैंकों में डिफॉल्ट किया था इन लोगों ने, जिन जिन बैंकों का पैसा खाया था, उन बैंकों को भैया अब पैसा मिलने लगा है, और वो पैसा जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसके लॉसेस ये दिखा चुके थे। ठीक है, तो पैसा आता है तो भैया जाहिर सी बात है कि अच्छी बात होगी यहाँ पर कि भैया वापस से यहाँ पर पैसा मिल सकता है, और यही एक चीज जो है वो शेयर को आज पिछले कुछ दिनों से ड्राइव कर रही है, लेकिन कोई उतना बड़ा असर नहीं पड़ा है। यहाँ पर देखिए, जब खबर आई थी तब शेयर कोई 41 के करीब ही था, ठीक है, तेजी आई, थोड़ा बहुत ऊपर गया, लेकिन कोई इतनी बड़ी तेजी इसने नहीं दिखाई है, कोई इतनी बड़ी रैली नहीं आई है यहाँ। इतना ही नहीं, एमकी ग्लोबल ने पंजाब नेशनल बैंक में बेचने की सलाह दी है, 33 रुपए का टारगेट प्राइस उन्होंने रखा हुआ है,
और मेरे हिसाब से 33 रुपए तक जाना तो नहीं चाहिए। ये शेयर इतना कमजोर भी नहीं है कि 33 रुपए तक ये शेयर चला जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखने की कोशिश करें तो पंजाब नेशनल बैंक ने डेफिनेटली पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 73.15% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.97% की होल्डिंग एफआईएल के पास है। 0.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 8.79% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। और एलआईसी के पास भी 8.34% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड 2015 में इन्होंने आखिरी बार पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। पंजाब नेशनल बैंक की टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कोई भी बेचने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं करूंगा। 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग होल्ड करने की यहाँ पर नसीहत आपको दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें भैया तो कंपनी के रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया है। आप देख सकते हैं कि कहाँ 48 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, वो अब सीधा 81 करोड़ तक पहुंच चुका है। मतलब 2021 पंजाब नेशनल बैंक के लिए काफी अच्छा रहा, काफी बेहतर रहा। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो जहां बैंक को बहुत ही कम प्रॉफिट पिछले 4 साल के मुकाबले, इस बार का जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा है। 2,150 करोड़ का मुनाफा इस बैंक ने कमाया है 2021 में। इससे पहले 360 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 10,000 करोड़ का नुकसान था, इससे पहले 12,600 करोड़ का नुकसान था। तो देखा जाए तो डेफिनेटली 2021 बहुत ही शानदार रहा है, बहुत ही बेहतर रहा है। लेकिन 2021 इतना बेहतर होने के बावजूद भी पिछले 1 साल में इसके शेयर प्राइस पे कोई अच्छा असर देखने को नहीं मिला है। अब देखिए, जब इतना ही अच्छा रहा लेकिन उसके बावजूद शेयर प्राइस पे कोई इतना बड़ा असर यहाँ पर नहीं आया है, तो ये एक बात है कि भैया थोड़ी सी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, लोगों का जो माइंडसेट है पंजाब नेशनल बैंक को लेकर, वो अभी भी उतना हेल्दी माइंडसेट नहीं देखने को मिल रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, 43-44 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और जब तक ये शेयर उसको डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है तब तक मेरे हिसाब से यहाँ पर बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन खरीदारी करके रखिए तो भैया बेचने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगेन मैं कह रहा हूँ, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, नीचे की तरफ अगर आपको ये शेयर 35 रुपए के करीब मिल जाता है, 35 से 40 के बीच में अगर मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप उस लेवल पर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगेन, ये वो शेयर नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाए। ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप ये सोच जाइए भैया मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, नहीं होगा। यहाँ पर पता चला कि लॉन्ग टर्म में जहां था वहीं पर आके रुक गया ये, ठीक है? तो इसको आपको क्या करना है, गिरावट में खरीदना है और प्रॉफिट में आपको यहाँ से एग्जिट ले लेनी है। क्योंकि आप देखिए, लॉन्ग टर्म में जो लोग रहते हैं उनका कोई बड़ा फायदा यहाँ पर नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। तो ओवरऑल कहूंगा कि इस शेयर से प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और सीधी बात है नीचे के लेवल पे खरीदो, पर शेयर 7-8 रुपए का फायदा हो जाए, एग्जिट ले लो, वही सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी। बाकी मर्जी आपकी है, पैसा आपका है, तो भैया डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।